अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अनदर व्लॉग। तो गाइस अभी मैं नमाज अदा करके नमाज अदा की है, तो मैं मशीन रखने लगी हूँ। जो मैंने उस दिन कपड़े सिलाई करने थे वो मैंने उस दिन नहीं किए थे क्योंकि बहुत ज्यादा रात भी थी। तो अभी कल मेरी सिस्टर लोगों ने जाना है कहीं, तो वो कह रही मैंने वही ड्रेस पहन के जाना है। वो तो उसको पता नहीं, उस दिन तो जरूरी थी। जूती पाके जाना, आप ही फ्राक पाक नहीं सी कि ਕੀ ਪਾ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਫੇ ਜੋ ਮਰਜੀ ਪਾ ਦੇ। ਓਕੇ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਪਾਣੀ ਫਰਾ ਕਰ। ਤੋ ਗਾਈਜ਼ ਅਭੀ ਮੈਂ ਮਸ਼ੀਨ ਰੱਖਣ ਲੱਗੀ ਹਾਂ, ਉਹ ਡਰੈਸ ਲਾਈ ਕਰਨ ਲੱਗੀ ਹਾਂ। ਆਪਕੋ ਜੀ ਮੇਰੇ ਕਰ ਲਾ। ਨਹੀਂ ਮੈਨੇ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਰਾ ਕਰਨਾ, ਬੈਠੀ ਦੇ। ਤੋ ਗਾਈਜ਼ ਮੈਂ ਅਭੀ ਕਪੜੇ ਸਿਲਾਈ ਕਰ ਹੀ ਰਹੀ ਥੀ ਕਿ ਬੱਚੇ ਆ ਗਏ ਟਿਊਸ਼ਨ ਵਾਲੇ, ਔਰ ਮੈਨੇ ਅਭੀ ਟ੍ਰੋਜ਼ਰ ਸਿਲਾਈ ਕਰਕੇ ਗਲਾ ਹੀ ਬਣਾਇਆ ਥਾ। ਤੋ ਉਤਨੀ ਦੇਰ ਫਾਤਮਾ ਪੜਾ ਰਹੀ ਥੀ ਬੱਚੋਂ ਕੋ, ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਵੋ ਮਾਮੂ ਘਰ ਚਲੇ ਗਈ, और अभी मैं फिर इनको पढ़ाने लगी। अब बाकी सारे तो बच्चे चले गए हैं और ये थोड़े से बस बैठे हुए हैं, इनको भी लेसन पढ़ा रही हूँ, इनका भी सबक रहता है। तो अभी नमाज भी मगरब की अजान भी होगी, नमाज अदा करनी है। आज बहुत ज़्यादा बादल हुए हैं देखे, और पीछे से तो काफ़ी ज़्यादा बादल हुए हैं। हाँ सुनाओ। और अभी फिर मैं नीचे जाती हूँ, आप लोगों को दिखाती हूँ कि मैं कितने कपड़े सिलाई किए अभी इसका लेसन। क्या है ये? क्या नहीं? तो गाइस जो बच्चे पढ़ रहे थे मैंने उनको भी छुट्टी दे दी है, और अभी मैं मगरिब की नमाज अदा कर लूं। और मेरी अम्मा देखे लहसुन साफ करी जा रही है। लहसुन गंदा है? क्यों? पालक मंगा ली है? हाँ वो मौसम खराब हुआ ना, तो मैंने कहा चाय और पकौड़े। बारिश तो हुई नहीं साढ़े खराब तो सही है। और गाइस देखे मेरी मशीन अभी वैसे की वैसे ही पड़ी हुई है। ये मैंने अभी इतना सिलाई किया, ट्राउजर दिखाओ, ट्राउजर मैंने पूरा कर दिया। ट्राउजर दिखाओ बांधना। हाँ ये मैंने इसका पैंट ट्राउजर सिलाई कर दिया। अभी फ्रॉक रहती है सिलाई करने वाली, और ये खलारा वैसे ही पड़ा हुआ है अभी तो। और क्या लेके आए हो? आलू। और ये मामू घर गए थे, आलू कहाँ कहाँ है? बाद मेरा थक गया। ओ जूठे के पाए उधर छुपा के डाल दिए। आलू लहसुन और बस। हम गए, हम बस दो ही घर में गए थे, छोटे मामू के घर और उधर से भैया के घर। बस छोटे मामू के घर ना, मामा शीर के घर पड़े हुए थे ना आलू। हाँ तो हम उधर से बस गए, तो उधर से भैया के घर। बाकी मामा का नहीं? हाँ उधर आप लोग भी आएंगे। कौन सी बदर बाबे का लोग भी आएंगे? आंटी के घर या मामू के घर आए थे? आंटी के घर। नहीं टाइम से अगर वो गल्ला सुनाना शुरू हो जाएंगे। तो गाइस अभी मैं नमाज अदा कर लूँ, फिर उसके बाद आप लोगों को दिखाती हूँ। गाइस मैंने नमाज अदा कर ली है, और फातिमा ने भी नमाज पढ़ने के बाद पालक काट रही है, और भाई आलू काट रहा है। और इन्होंने देखो काटे गए आलू, इन्होंने बेड पे पालक देखे कैसे फैलाई हुई है, गंदे बच्चे ने। फातिमा ही बहुत आ मेनु बना के दे, सारे काट के रख लेते हैं ना। आप ही तो मसाला बना दे। इतनी सी ले जाओ, इतनी सी डलनी है ले जाओ। और अभी मैं मसाला तैयार करने जा रही हूँ, तो बाद में मेरा भाई पकौड़े निकालेगा न्यू शेफ। चलो लाओ दो आलू, बस करो खाने की मशीन। इधर लाओ पालक। कैसे लेके जाओ? मैं अभी तुम्हें ला के दे देती हूँ, तुम उतनी देर सेट करो। क्या तुमने कहा? तुम खाती हो ज्यादा। तो गाइस अभी मैं पकौड़ों का सामान तैयार कर दूं, क्योंकि इसको पकौड़ों का सामान ही बनाने आता, बस पकौड़े बनाने आते। आई एम कुक स्टार। अभी मैं ये सामान वगैरह धो लूं, क्योंकि कैमरा पकड़ने वाला कोई नहीं है, तो धो के फिर आप लोगों को दिखा।
तो गाइज मैंने पालक और आलू धो के डाली हैं। अभी मैं इसके अंदर बेसन ऐड करूंगी। बेसन भी हमारा तकरीबन लास्ट ही है। जहाज बहुत गुजर रहे हैं क्योंकि ईरान जंग कर रहा है इसराइल के साथ, आई थिंक, पता नहीं। अच्छा, ये बेसन डाल दिया इसके अंदर। बेसन लास्ट ही जा रहा है, रमजान वाला ही अभी हमारा रह गया था बाकी। अभी मैं इसको पानी डाल के तो मिक्स कर लेती हूँ। मैं हो चुका है और मैंने इधर से अपना खलारा भी क्लोज कर दिया है। तो अभी मैं अपने भाई से कहती हूँ कि वो पकोड़े निकाल दे। भाई मसाला तैयार हो गया, क्रंची क्रंची निकालना, वो ले जाओ आलू और वो फ्री खा के। तो अभी भाई पकोड़े निकाल दे, फिर आप लोगों को दिखाती हूँ। मेरे भाई ने पकोड़े निकाले और सारे खुद खा गया, इतना बदतमीज बच्चा है। देखो केचप खोल के पास रखी हुई है और खुद ही चोर जिया खाई जा रहा है। तो हमने क्या खा खानी है, और साथ में ये खाई जा रही है। भूखी आके एक मिनट बाद आती है, पकोड़ा खा के भाग जाती है। भाई चल पाजो, बुआ ला लो की और तुम सारे खा जाओ। कितना शियार कीचड़ दा बुआ ला लो, कहते मैं खा के चल मोर जा बाद में, तू कहना मैं कुछ भी नहीं करता। मैंने बस दूसरा लिया। चलो डाडा एक कट गया, पाजो बहुत मजे के पकोड़े बने हैं। तो जब आके बादल हुआ हमने तब नहीं पकोड़े बनाने, जब बारिश हो रही हो तब बनाने। और इधर भूखा को शेफ नहीं रखना जेड़ा आप ही खाई जावे सारे पकोड़े। तो हम अपनी वीडियो को करते हैं यहाँ पे एंड, मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में। आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है, बेल आइकन को प्रेस करना है। अल्लाह हाफिज़।